तेंदुपत्ता श्रमिक संघ तालुका राजुरा की ओर से कार्य करने वाले मजदूरों को तत्काल बोनस भुगतान की मांग को लेकर 4 अक्टूबर सोमवार को वन कार्यालय के सामने एक दिन का धरना आंदोलन किया जा रहा है। तेंदुपत्ता तालुका के संकलन काम करने वाले श्रमिकों को साल 2019, 2020 और 2021 इन सालों के तकित बोनस का तत्काल भुगतान दिया जाए, जंगली जानवरों से खेती में हुए फसलों का नुकसान रोका जाए, इसलिए इस पर हमेशा के लिए उपाय किया जाए और जंगली जानवरों की वजह से जो फसलों का नुकसान हुआ है उस पर तत्काल पंचनामा कर किसानों को तत्काल नुकसान भरपाई की जाए। इस प्रकार की मांगें आंदोलन में की जा रही है। राइट व्यू, एक दिन के धरना आंदोलन में तेंदुपत्ता श्रमिक और किसान बड़ी संख्या में उपस्थित रहे, ऐसा आह्वान सामाजिक कार्यकर्ता एडवोकेट मारुति कुरवटकर, सरपंच लहू चहारे, उप सरपंच विकास देवड़ाकर, उप सरपंच इर्शाद शेख, ग्राम पंचायत सदस्य गुलाब सहारे, संतोष अलोड़े, प्रेम सागर राउत, बालू वांड्रे, मारुति शिवणकर, भावराव आकनूरवार, राजू रामटेके, मुकुंदा टेकाम, पुरुषोत्तम विधे, श्री कृष्ण कपारे, अरविंद वांड्रे, महादेव चापले, भारत कुरसंगे इन्होंने दिए। मजुरांना सन 2019, 2020 आणि 2021 या वर्षातील बोनस ची रक्कम त्वरित देण्यात यावी, वन्य प्राण्यांपासून शेतपिकाचं होणारं नुकसान त्वरित थांबवण्यात यावं, त्याकरता कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यात याव्या आणि ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतपिकांचं नुकसान झालेलं आहे वन्य प्राण्यांपासून त्याचे त्वरित पंचनामे करून नुकसान भरपाईची रक्कम देण्यात यावी, या मागणीकरता राजुरा तालुक्यातील तेंदुपत्ता मजूर आणि शेतकऱ्यांच्या वतीनं हे भव्य दिव्य आंदोलन या ठिकाणी होत आहे। या आंदोलनाच्या माध्यमातून आम्ही सरकारला निवेदन देत आहोत आणि आम्ही सरकारला आवाहन करतो की या निवेदनाची दखल घेऊन लवकरात लवकर या मागण्या पूर्ण कराव्या, अन्यथा हे आंदोलन आणखी तीव्र करण्यात येईल।